और मैं आपको गारंटी देता हूं जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी अधिग्रहण का कानून लेकर के आई, एमएसपी का कानून लेकर के आई और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का कानून लेकर के आई है, लेकिन जो नई सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें से एक सबसे जरूरी न्याय है किसानों का न्याय। और राहुल जी ने बोला है, याद रखिएगा, राहुल गांधी जो बोलते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए वो करके रहते हैं। अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी की सरकार में सारे किसान जो सबका भरण पोषण करते हैं वो आज भिखारी का हिस्सा बन गया है। कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी, मैं अनिरुद्ध मेहता बिहार किसान मजदूर संघ का संस्थापक हूँ। बहुत सौभाग्य है इस मिट्टी का कि हमारे राहुल भाई हम लोगों के बीच में पधारे हैं। आज इस देश में मोदी के सरकार में सारे किसान जो सबका भरण पोषण करते हैं वो आज भिखारी का हिस्सा बन गया है। हम अपने महान नेता इस देश के राहुल भाई से निवेदन करेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई आप हमारे तरफ से लड़िए। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का कुछ नहीं भेटता है, झोपड़ी का घर है, न मकान है, न दुकान है, कुछ नहीं है। हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, कैसे हम लोग जिएंगे। हम लोग के ऊपर देखने वाला नहीं है, डगर से नहीं है। डगर में जब पानी बढ़ता है तो एक ठौना रह जाता है, घर में घूम जाता है पानी, कैसे रहेंगे। इतना करते करते सबके जिताते जिताते हम लोग तो थक गए हैं। आपको समस्या से बोल रहे हैं, देख करके चल करके देखिएगा कि कैसा है। सब 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 दिन ब दिन नीचे से नीचे गिरते हुए चला जा रहा है और वो आपके सामने खुद दिखाई दे रहा है कि कितना कमज़ोर सब 10 बीघा 12 बीघा 15 बीघा खेती करने वाले लोग हैं। लेकिन सबका हालात को आप देख रहे हैं, अपने सामने देखिए कितने कमज़ोर और नहीफ हैं। मजबूर होकर के ये किसान का आल औलाद पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या दीगर दूसरे जगह जा रहे हैं, जो बड़ी दुख की बात है। और हम लोगों को एमएसपी तो सिर्फ सुनाई देता है, इसका कहीं दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल एक जगह है, वहां जाकर मैंने जमीन का मामला, किसानों की जमीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गए, बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। भट्टा परसौल के बाद यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिकरण बिल पार्लियामेंट में पास किया, 4 गुना कॉम्पेंसेशन किसानों को अपनी जमीन के लिए, 4 गुना मार्केट रेट से 4 गुना। मोदी जी का पहला काम पार्लियामेंट में आकर इस बिल को रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरण बिल के कानून को तोड़ दी, और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को
चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है, उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मगर मैं आपको यहाँ ये कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं, वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम कानून को यहाँ लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी अधिग्रहण का कानून लेकर के आई, एमएसपी का कानून लेकर के आई, और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का कानून लेकर के आई है। लेकिन जो नई सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उसमें से एक सबसे जरूरी न्याय है किसानों का न्याय। और राहुल जी ने बोला है, याद रखिएगा, राहुल गांधी जो बोलते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो करके रहते हैं।